शकरकंदी की बोल रही है, इसके लिए हमें एक बड़े साइज की शकरकंदी ली है, वजन में 150 से 200 ग्राम है। कप से थोड़ा कम हमारा आटा है, गुड़ लिया हुआ है स्वाद के अनुसार, व्हाइट तिल का यूज किया। पहले हमने जो गुड़ लिया है इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। देखिए हमने सारे गुड़ को कद्दूकस कर लिया है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब ये जो शकरकंदी है, इस शकरकंदी को हम बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। इसे हम ऐसे मेशर से मैश कर लेंगे, अच्छे से मैश हो गया है, मिला लेते हैं। इसमें जो हमारा गुड़ था इसे भी हम ऐड कर देंगे और ये आटे को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। इसे हम अपने हाथों से ही अच्छे से मिक्स करेंगे। ये इलायची पाउडर है जिसे मैंने चीनी में डाल के पीस लिया था, इसे हम थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे। तिल, ये सफ़ेद तिल हैं, ये गर्म होते हैं और इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। 1 स्पून के आसपास मैंने ये ऐड किया हुआ है, अच्छे से मिला दूंगी। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, गोली तोड़ते हैं। आप चाहो तो इन्हें आधे गुड़ और आधे शक्कर को मिलाकर भी बना सकते हैं। ये अभी देखने में ऐसे लग रहे हैं, जैसे ही ये थोड़े से गर्म होते जाएंगे इनका शेप भी गोल हो जाएगा। अभी हम इन्हें टच नहीं करेंगे, पहले इन्हें एक तरफ से सिकने देंगे और एक एक करके टर्न करते हैं। देखिए अच्छा कलर आया है। हमें इन्हें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इन्हें पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, बस 2 से 3 मिनट में ये सिककर तैयार हो जाते हैं। और हमने फ्लेम को थोड़ा सिम कर दिया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अच्छी बनकर तैयार हुई है। खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। सर्दी के मौसम में बहुत ही हेल्थी रेसिपी है क्योंकि इसमें हमने गुड़ और तिल का यूज़ किया है जो कि गर्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी क्विक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।